व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشعار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجمها يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے محترم مقتدر علماء کرام میرے محترم بھائیو میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوانوں پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے خوشی ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام آج شیر شاہ کے اس علاقے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اور آپ سے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر جیوے پاکستان کانفرنس میں جلسے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لائے میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں اور ہمارے تمام وہ ساتھی جو اس علاقے میں رہتے ہیں تمام محترم بھائی اور عزیز جنہوں نے اس جلسے کے تعاون کرنے میں جلسے کے سلسلے میں تعاون کرنے میں دام درم قدم سخن حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے آج جیوی پاکستان کے اس اجتماع میں
हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के सिलसिले में कुछ बातें करना चाहेंगे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान इस वक्त जिसमें हम रह रहे हैं, ये बड़ी अजीम जद्दोजहद के बाद, बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु के फजल व करम से उसके प्यारे महबूब रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान एक तोहफे के तौर पर अता फरमाया। ये वो मुल्क है, हमारा ये वो प्यारा वतन है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम नेमतें और बरकतें अता फरमाई। ये वो अजीम मुल्क है कि जो 26 तारीख 27वीं शब शब कदर में कायम हुआ। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए यह अजीम शान मुल्क, ये कराची से लेके खैबर तक, ये खारान से लेके वाघा तक, इतना हसीन और इतना जमील मुल्क 26 तारीख 27वीं शब शब कदर में ये मुल्क हमको मिला, अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम है। और जाहिर है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के इनाम पर शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उनको और इनाम से नवाजता है, और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करते हैं ज़ाहिर है अल्लाह की नाफरमानी है, कुफ्रान नेमत है और अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद नहीं है। मैं और मेरे साथी जमीयत उलमा पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के तमाम मुहिब्बे वतन शहरी, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र हर हाल में करना चाहिए। अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत पर जो पाकिस्तान की शक्ल में हमको दी है, हम उसका अपने माबूद बरहक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जहां ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम शुक्र गुजार बंदे बनोगे तो मैं और ज्यादा तुम पर अपना फजल व करम जो है उसके दरवाजे खोल दूंगा, अगर तुम मुसलसल मेरे शुक्र गुजार बंदे बनते रहोगे, जितने ज्यादा शुक्र करोगे उतने ही मैं तुम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करूंगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान में इरशाद है। चुनांचे इरशाद होता है रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, इरशाद फरमाता है कुरान मजीद फुरकान हमीद, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बनो तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम मेरी दी हुई नेमत को ठुकराते रहो, मेरी नाफरमानी करते रहोगे तो फिर ये जान लो कि मेरा अजाब जो है वो बहुत सख्त है। मतलब अर्ज करने का ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, ये हमारा और आपका सबका मुश्तरका, हम सब मुसलमानों का ये अकीदा है कि पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है जो उसने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फरमाया है,
और इस उम्मत को ये इनाम अता फरमाया और इस मुल्क की अल्लाह के इस अतीये की हमें कदर करनी चाहिए। और अगर इस अतीये की इस नेमत खुदावंदी की कदर न की जाए तो फिर अल्लाह का अजाब, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का सजा, नाफरमानी की सजा भुगतनी पड़ती है। चुनांचे आपने देखा कि मशरिकी पाकिस्तान, जिसको अब बांग्लादेश कहा जाता है, ये मशरिकी पाकिस्तान सन 1971 में हमसे जुदा हो गया। वो अजीम शान मुल्क था मशरिकी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के नाम से मौजूद है और हमसे जुदा हो गया। इसका मतलब ये है कि हमसे कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं, इसका मतलब ये है कि हमसे कुछ अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई हैं, इसका मतलब ये है कि हमसे कुछ ऐसे काम हुए हैं कि जो अल्लाह ताला को नापसंद थे। और उसने कहा कि हमने तो तुमको ऐसा इतना अजीम शान मुल्क दे दिया, दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान था जब मशरकी पाकिस्तान हमारे साथ था, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, और उसके बाद घट गया। तो पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु अम्मा वालुहु की नेमत की शक्ल में हमें हमको मिला और हमने उस नेमत की कदर नहीं की, हमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, हमने जो इनाम खुदाबंदी था उसकी कोई कदर व मंजिलत नहीं की। चुनाचे देखिए पाकिस्तान के बनाने की जद्दोजहद में 50 लाख मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना दिया, माफ कीजिएगा 10 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना दिया, 50 लाख मुसलमान बेघर होकर हिंदुस्तान से निकाले गए, मजबूरन उनको पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया। कितनी अजीम कुर्बानी थी, लोगों ने अपने मकानात को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तान को छोड़ा, मस्जिदों को छोड़ा, और हिंदुओं के और सिखों के जुल्म और जबर के ज़रिए से हमको बेशुमार ख़ानदानों को कत्ल किया गया, बेघर किया गया और तबाह व बर्बाद हो गया। और जो बचे खुचे लोग थे वो बेचारे यहाँ आकर बस गए। बहरहाल ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अगर पाकिस्तान न होता और हिंदू ये जुल्म और जबर करता तो कहाँ जाते, मरने की भी जगह शायद न मिलती। अब कमसम ये है कि पाकिस्तान की शक्ल में एक मुल्क मौजूद था जब हिंदू हम पर जुल्म और सितम कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस मुल्क में रहने की जगह अता फरमाई और आज ये अल्लाह की नेमत हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान ने हमको क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया, अब हमें ये सोचना होगा। आप एक बात पर एक मुसलमान की हैसियत से ज़रूर गौर फरमाइए, जब हम पाकिस्तान बना रहे थे तो पाकिस्तान बनाने में मद्रास के मुसलमान, कलकत्ते के मुसलमान, बम्बई के मुसलमान, लखनऊ के मुसलमान, लाहौर के मुसलमान, पेशावर के मुसलमान, कराची के मुसलमान, ये सब एक ज़ुबान होकर कह रहे थे पाकिस्तान लेके रहेंगे, ये सब एक ज़ुबान होकर कह रहे थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक ज़ुबान होकर कह रहे थे। 47 में, 46 में, 45 में ये नारे पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरजमीन पर गूंज रहे थे, मद्रास से लेकर हिमालय तक, राजकुमारी तक, हिमालय की चोटियों तक ये नारे गूंज रहे थे कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने पाकिस्तान बनाया, उस वक्त हम ये कहते थे कि हम मुसलमान हैं, और जाहिर है पाकिस्तान हमने बनाया,
उस वक्त किसी आदमी ने ये सोचा ही नहीं कि मैं तो मद्रास का रहने वाला हूँ, उस वक्त किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, उस वक्त किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, सब एक थे। उस वक्त सब ये कहते थे हम मुसलमान हैं, और जाहिर है ये इस्लाम का रिश्ता जो है इसकी बरकत देखिए। अगर हम मुसलमान अपने आप को न कहते, अगर हम ये कह देते जनाब मेरा सूबा तो यूपी है, मेरा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक, कोई कहता जनाब मेरा सूबा तो मद्रास है, मेरा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक, कोई कहता जनाब मेरा सूबा तो पंजाब है, मेरा पाकिस्तान बनाने से क्या ताल्लुक, और कोई कहता जनाब मेरा सूबा तो सिंध है, मेरा पाकिस्तान बनाने से क्या ताल्लुक, मेरा सूबा तो बलूचिस्तान है, मेरा पाकिस्तान बनाने से क्या ताल्लुक। लेकिन नहीं, मुसलमानों का मसला था, उम्मत मुस्लिमा का मसला था, हिंदुओं से सिखों से कुफर की कुव्वतों से इस्लाम को बचाने का मसला था, रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए एक ऐसे मुल्क को बनाने का मसला था कि जिस मुल्क में रहकर हम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के भेजे हुए और रसूलुल्लाह के लाए हुए निज़ाम को नाफिज कर सकें, उसके लिए हम पाकिस्तान की जद्दोजहद कर रहे थे और हम सब मुसलमान थे। किसी ने नहीं कहा कि मैं पंजाबी हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं सिंधी हूँ, किसी ने नहीं कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, सब कहते थे कि हमको मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमको पाकिस्तान चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमको पाकिस्तान बनाना है, हम मुसलमान हैं और अल्लाह एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम बुतों के पूजने वाले नहीं हैं, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, वो वाहिद हैं, तौहीद के परस्तार हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, और हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी जमीन हमको अता फरमा दे, एक ऐसा खित्ता हमको अता फरमा दे कि जहां अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम उस मुल्क में नाफिज कर सके। ये नजरिया था कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, बेईमानों के मुकाबले पर ईमान वालों के लिए एक मुल्क चाहिए, काफिरों के मुकाबले पर 360 बुतों के पूजने वालों के मुकाबले पर एक अल्लाह के मानने वालों को अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का भेजा हुआ निज़ाम नाफिज करना है, इसकी जद्दोजहद थी। ये वो अजीम जद्दोजहद थी, ये वो अजीम जद्दोजहद थी जिसको हमने मुसलमान की हैसियत से शुरू किया, कायद आजम की काबिल फख्र क़यादत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान एक जान दो कालिब होकर अल्लाह तबारक व ताला के सिपाही बनकर रसूलुल्लाह के दीन का परचम हाथ में लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाओं में पाकिस्तान की तरफ उनके कदम बढ़ रहे थे। ये वो मंजर है जो सन 1947 में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनके जो उस वक्त जवान थे अब बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने यकीनन देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान की फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से गूंज रही थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अजीम कुर्बानियों के बाद बेशुमार खून बहाने के बाद लाखों मुसलमानों की कुर्बानी देने के बाद मुसलमान बनकर पाकिस्तान हासिल कर लिया। अब एक बात मेरे अजीज मुसलमान भाई याद रखने की है कि हमने मुसलमान बनकर पाकिस्तान हासिल कर लिया, हमने कर लिया, और अगर हम मुसलमान बनकर ही रहेंगे कि हम सब मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमान बनकर रहेंगे तो हम पाकिस्तान को महफूज कर लेंगे, और अगर हम मुसलमान मुंतशिर हो गए, किसी ने कहा कि मैं तो उर्दू बोलता हूँ, किसी ने कहा मैं तो पंजाबी बोलता हूँ, और किसी ने कहा मैं तो सिंधी हूँ, और किसी ने कहा मैं तो पंजाबी हूँ, और किसी ने कहा मैं तो बलोच हूँ, अगर हम इस तरह से मुंतशिर हो गए तो आप सोचिए कि पाकिस्तान भी मुंतशिर हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह की ये नेमत जो उसने अता फरमाई है, हमने मुसलमान बनकर
जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि सुभान अल्लाह, देखिए ये ईमान वाले, जुबान का कोई फर्क नहीं, सूबों की कोई बात नहीं, सूबे का कोई फर्क नहीं, जमीन का कोई मसला नहीं, लिसानी नस्ली कोई मसला नहीं, ये तमाम के तमाम ईमान वाले सिर्फ मेरी जमीन पर मेरे महबूब का निजाम नाफिज करने के लिए अपने आप को मुसलमान कहकर खड़े हो गए हैं, तो अल्लाह ने भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा लिया। अगर हम मुसलमान रहते हैं, अगर हम एक जान दो कालिब रहते हैं, हम अपने आप को सिर्फ मुसलमान समझते हैं, तो यकीनन हम पाकिस्तान की हिफाजत कर लेंगे। और अगर हमने अपने आप को टुकड़ों में बांट लिया, अगर हमने आपको मुंतशिर कर लिया, अगर हमने आपको लिसानी नस्ली इलाकाई बुनियादों पर तकसीम कर लिया, तो जब हम खुद तकसीम हो जाएंगे तो पाकिस्तान कैसे बाकी रहेगा? ये सोचने की बात है और ये मसला है और बड़ा अहम है। लोगों के जहन में ये बात याद रहनी चाहिए कि आपने, आपके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के परचम तले पाकिस्तान को हासिल किया, और इसी परचम तले इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान को बाकी रखेंगे, इसी परचम तले बाकी रखेंगे। ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा इनाम है पाकिस्तान की सरजमीन पर। अब ये देखिए, आपके पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान बनने के बाद जहाँ एक तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने ये इनाम की शक्ल, ये इनाम की सूरत पैदा फरमाई, ये इनाम की सूरत पैदा फरमाई, पाकिस्तान बनने के बाद क्या मुसलमानों ने वाकई इस मुल्क की कदर की, ये हमारे लिए सोचने का मसला है। अफसोस ये है कि हम बट गए, अफसोस ये है कि हमने अल्लाह तबारक व ताला से जो वादा किया था, रसूलुल्लाह की उम्मत की हैसियत से हमने जो वादा किया था, हम उस वादे को पूरा नहीं कर सके। हमने ये वादा किया था कि हम, ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरी ज़मीन पर तेरे महबूब का निज़ाम नाफिज करेंगे। अफसोस ये है कि हम उस वादे को पूरा नहीं कर सके, हम अफसोस ये है कि हम उस वादे को पूरा नहीं कर सके। आज तक इस सरजमीन पर अल्लाह तबारक व ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम आज तक नाफिज नहीं हो सका। अब मेरे अजीज़ मोहतरम भाइयों, पाकिस्तान जो पहले था, अब से 50 बरस पहले था, जब में और अब में फ़र्क है। अगरचे हम में बड़ी खामियां हैं, हम में बड़ी कमजोरियां हैं, अगरचे हम में बेशुमार गुमराहियां हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला का इनाम जारी है। बेशुमार लोगों ने कौमी ख़जाने को लूटा, बेशुमार लोगों ने इस कौम के साथ नारे लगवा कर धोखा दिया, बेशुमार लोगों ने इस कौम के मसाइल को हल नहीं किया, परेशानियाँ अपनी जगह पर रहीं। पाकिस्तान को लोगों ने अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, रिश्वतें ली, स्मगलिंग की, हेरोइन फरोशी की, शराब की दुकानें खोली, जुए के अड्डे चलाए, कंजरियों के बाज़ार खोले, जुआ कदम कदम पर शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला का इनाम देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर कितना बड़ा इनाम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब एटमी कुव्वत बन गया है। ये अल्लाह तबारक व ताला का इनाम है कि अब हम एटमी कुव्वत हैं। आलमी इस्लाम को आप पर फख्र है, हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला ने कितना अजीब शान इनाम दिया है कि इस उम्मत के पास अब एटमी कुव्वत मौजूद है। रसूलुल्लाह के गुलामों के पास ये एटमी ताकत है कि जिससे वो अपने दुश्मनों पर रौब भी डाल सकते हैं, दबदबा भी कायम कर सकते हैं, और दुश्मनों पर इनका रौब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारी कर दिया है। मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनके मुतालिक हम और आप ये सोचते हैं कि आया ये होना चाहिए या नहीं। इस वक्त
पाकिस्तान अगर से एटमी कुव्वत बन गया लेकिन पाकिस्तान दुश्मन के मुकाबले पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी जानता है और हर पाकिस्तानी को मालूम है कि उसका दुश्मन कौन है। इसकी ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। ये हर पाकिस्तानी को मालूम है कि पाकिस्तान का अजली दुश्मन हिंदू है। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान का अजली दुश्मन यहूद है। पाकिस्तान का अजली दुश्मन कौन है? ईसाई है। ये जो अमेरिका है, ईसाई अमेरिका, बरतानिया, ये ईसाई लोग जो हैं, मैं पाकिस्तान के ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, वो तो जो यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में जो ईसाई रहते हैं इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारा मजहबी फ़र्ज है। वो जिस तरह हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं, हमारे मज़हब का, दीन का हुक्म ये है इस्लाम का कि जिस तरह तुम अपनी जान की हिफाजत करते हो ऐसे ही वो काफिर जो तुम्हारी हुकूमत में रहते हैं उनकी भी हिफाजत करो। कितना प्यारा मज़हब है। मेरे आका हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया, हुम फी ज़िम्मतिना, जो काफिर हमारी हुकूमत में रहते हैं हम पर उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है। जैसे हम अपनी जान की, अपनी बहू बेटियों की, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हैं, ऐसे ही वो तमाम काफिर जो इस मुल्क में रहते हैं उनकी जान की भी उसी तरह हिफाजत करनी होगी जैसे हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं। मैं बात कर रहा था अमेरिका की, मैं बात कर रहा था बरतानिया की। ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन जो हैं हिंदू आपके दुश्मन हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए। हिंदू ये समझता है, खामोश रहो भाई, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। हिंदू ये समझता है कि पाकिस्तान बनाया है हिंदुस्तान को तोड़कर, हिंदुस्तान के टुकड़े करके पाकिस्तान बना है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भारत उसकी गऊ माता जैसे गाय के दो टुकड़े कर दिए गए। तो हिंदू आज भी जो जख्म पाकिस्तान का लगा है वो आज तक उस जख्म को भूला नहीं है। वो कहता है, अभी हिंदुस्तान का वजीर आजम आया था तो लाहौर में उसने कहा था कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान का, ये घाव लगा है, अगरचे घाव भर गया है, यानी जख्म भर गया है लेकिन दाग अभी बाकी है। तो ये दाग तो हिंदू के सीने पर हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह, और ये दाग मुसलमान लगाते रहे हैं हमेशा। जो लोग ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान ने कश्मीर में 3 जंगें लड़ी हैं, मैं कहता हूं वो गलत कहते हैं कि हमने 3 जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों ने हिंदुओं से 3 जंगें लड़ ली हैं 50 बरस में, वो गलत कहते हैं, वो तारीख से नाबलद हैं। हमने, मुसलमानों ने जिस तारीख को मोहम्मद बिन कासिम इस सरजमीन पर आए थे 1250 साल पहले, उस तारीख से लेकर आज तक हिंदुस्तान से हमेशा जंग लड़ी है, हिंदुओं से हमेशा जंग लड़ी है और हर जंग में उनको शिकस्त दी है। कभी इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान बादशाह को शिकस्त हो गई? फौजी जर्नलों की गलती से हो जाता है, ऐसा वक्ती तौर पर ऐसा हो जाता है, दुश्मन के नरगे में आदमी गिर जाता है, लेकिन वो गैरतमंद मुसलमान बादशाह थे महमूद गजनवी, एक मरतबा उसको हिंदुस्तान में शिकस्त हुई तो वापिस आया। वापिस आने के बाद 1 साल तक तैयारी की, जमीन पर सोता था, चारपाई पर नहीं सोता था। महमूद गजनवी बादशाह ने
एक दफा शिकस्त खाई, उसके बाद फिर हिंदुस्तान पर हमला किया और फतह हुई, फिर हमला किया और फिर फतह हुई। 17 मर्तबा हमले करने के बाद महमूद गजनवी ने कहा कि मैंने एक मर्तबा की शिकस्त का बदला लिया है, अगर जिंदा रहा तो जब तक जिंदा रहूंगा हिंदुस्तान से लड़ता रहूंगा। ये थे मुसलमानों के गैरतमंद बादशाह, वो हमेशा लड़ते रहे। तो हम तो सारे 1250 साल से हिंदू से लड़ते चले आए हैं। अगर हम को हिंदू गालिब हम पर हो जाता तो आज तो हम ख़त्म हो जाते, हमारा कोई वजूद भी ना होता। ये तो आपके और हमारे बुजुर्ग थे, बड़े जरी और बड़े बहादुर थे, उन्होंने डट कर हिंदू की आंखों में आंखें डालकर, इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर, कुफर की आंखों में आंखें डालकर ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को बुलंद रखा। ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने आज तक आप देख रहे हैं 1250 साल के बाद भी हिंदुस्तान से 1, 2, 4, 5, 8, 10 जंगें नहीं हैं, 100 से ज़ायद जंग लड़ चुके हैं। जब ढाके में लड़ाई ख़त्म हुई तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने मुसलमानों से 1000 साल शिकस्त का बदला ले लिया। आप मालूम है, नहीं हिंदू ये समझता था कि मुसलमान हमको 1000 बरस तक शिकस्त देता रहा है, अब ये मौका आया कि 1000 बरस के बाद हमने बदला लिया है ढाके में। लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, ढाके में जो शिकस्त हुई थी 71 में, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा ये मुसलमान इनमें ऐसे गैरतमंद सपूत पैदा होंगे जो इंशाअल्लाह उसका बदला लेके रहेंगे। और मोहम्मद बिन कासिम की रूह, महमूद गजनवी की रूह, शहाबुद्दीन गौरी की रूह इंशाअल्लाह अज़ीज खुश होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान को इस वक्त खतरा है कश्मीर में, और इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में बराबर मुसलसल 7 लाख फौज कश्मीरी मुसलमानों को घेरे हुए, 7 लाख फौज, हिंदू और सिख फौज 7 लाख कश्मीरी मुसलमानों को घेरे हुए हैं, और मुट्ठी भर मुजाहिदीन हैं। देखो मुसलमानों के ईमान का जज्बा देखो, अल्लाह तबारक व तआला कैसी मदद फरमाता है। अभी आप अखबारों में पढ़ते हैं कि चेचनिया रूस में एक जगह है, एक छोटा सा मुल्क है, 15 लाख मुसलमानों की आबादी है, 15 लाख मुसलमानों की आबादी 5 बरस से चेचनिया में रूस से मुकाबला कर रही है, पीछे नहीं हटने पाए। आज भी आप देख लीजिए अखबारात में आता है बराबर चेचनिया का मुसलमान डटा हुआ है, 5 साल हो गए और रूस से मुकाबला कर रहा है। अफगानिस्तान छोटा सा मुल्क है, रूस के मुकाबले पर छोटा सा मुल्क है। रूस तो बहुत बड़ा मुल्क, रीच, वो तो जंगली जानवर है बिल्कुल, रूसी मुसलमानों के दुश्मन, अमरीकी मुसलमानों के दुश्मन, यहूदी हिंदू, ये चारों तरफ मुसलमानों के दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम का चिराग रोशन है और रोशन रहेगा, 1250 साल हो गए, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, नूर खुदा है, कुफर की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। चेचनिया में मुसलमान लड़ते रहे, कोसोवो अखबारात में आप पढ़ते हैं, कोसोवो ये यूरोप में है, बोस्निया के पास है, ये यूरोप में है, यूगोस्लेविया, यूनान और इटली के बीच में है, इटली के पड़ोस में है बिल्कुल, समझ लीजिए अल्बानिया के साथ है। ये कोसोवो के मुसलमान कितने होंगे, शायद आप सोचते होंगे कि करोड़ों की तादाद में होंगे, नहीं, कोसोवो में मुसलमान सिर्फ 10 लाख हैं, और यूरोप, पूरा यूरोप, फ्रांस हो के बर्तानिया हो के अमेरिका हो कि यूगोस्लाविया हो कि फ्रांस हो कि जर्मनी हो, ये इन 10 लाख मुसलमानों को खाने को दौड़ रहा है। वो कहते हैं यूरोप में मुसलमानों को जिंदा रहने का हक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से कसूर के मुसलमानों पर हमला हो रहा है, रोज हमले हो रहे हैं। लेकिन छोटी सी मुसलमानों ने अपनी फौज बना ली है, कसूर लिबरेशन आर्मी,
और वो छोटी सी मुसलमानों की फौज पूरे यूरोप की फौज का मुकाबला कर रही है, अपने ईमान की कुव्वत से मुकाबला कर रही है। आप अहले ईमान हैं, जो साहिब ईमान है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, जिसका दिल अपने नबी की मोहब्बत से सरशार है, चाहे वो तन्हा हो, अगर वो तन्हा होगा तो 100 का मुकाबला करता रहेगा और जीतता रहेगा। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह तबारक व तआला का या रसूल, ये मेरे अजीज मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कुरान में। रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अम्मन वालू इरशाद फरमाता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कथीरतन बिइज़्निल्लाह। ऐसा तुम देखोगे कि तुम थोड़ी तादाद में होगे, तुम थोड़ी तादाद में होगे, फियतिन कलीलतिन, तुम बहुत थोड़ी तादाद में होगे, लेकिन अगर ईमान की कुव्वत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले आका की गुलामी का पट्टा अगर तुम्हारी गर्दनों में है और तुम उस कुव्वत के साथ खड़े हो जाओ तो अल्लाह तुम एक को 100 पर फतह अता फरमाएगा। ये तो वादा इलाही है, तुम थोड़े होगे दुश्मन पर गालिब आ जाओगे। अपने दिलों को मजबूत रखिए, अपने ईमान को सलामत रखिए। जितना जबरदस्त, जितना रिश्ता है गुलामी मुस्तफा कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जितना रिश्ता है गुलामी मजबूत होगा, उतना ही अल्लाह की मदद और नुसरत नाजिल होती रहेगी। ये अल्लाह का वादा है कुरान में। चुनाचे मैं बात जो अर्ज कर रहा था वो ये थी कि कुसूर का मुसलमान थोड़ी तादाद में है लेकिन ईसाइयों के खिलाफ डटा हुआ है, यहूदियों के खिलाफ डटा हुआ है, बर्तानिया के खिलाफ डटा हुआ है। ये बर्तानिया हुए, अमेरिका हुए, ये सब के सब मुसलमानों के दुश्मन हैं। देखो इराक मुसलमानों का छोटा सा मुल्क है, अमेरिका के मुकाबले पर कुछ भी नहीं है बज़ाहिर, लेकिन 9 बरस से मुसलसल इराक हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसने अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाया, कहा कि नहीं हम मुसलमान हैं, हमारा सर अल्लाह के हुजूर में झुकता है, अल्लाह के बंदों के सामने नहीं झुकता, और वो जो अल्लाह के नाफरमानों उनके सामने नहीं झुकता। मुसलमान तो बड़ा गैरतमंद होता है, आपको मालूम है महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान में सोमनाथ को फतह किया, सोमनाथ समंदर के किनारे पर काठियावाड़ में एक शहर है और सोमनाथ का मंदिर था, सोने का बड़ा हसीन सोने का बुत जिसमें हीरे और जवाहरात जड़े हुए थे, ऐसा अजीम शान बुत था। जमीन जमीन पर उन्होंने वो लोहा होता है ना जिसमें कशिश होती है वो लगा रखा था, छत में भी वो लोहा था जो खींचता है मकनातीसी जिसमें कुव्वत होती है जज्ब करने की, मैग्नेटिक पावर जिसमें होती है, वो लोहा उन्होंने छत में भी लगा रखा था और वही लोहा जमीन में भी लगा रखा था, तो बीच में वो सोने का बुत लटका हुआ था, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर को खींचता था और नीचे वाला लोहा जो है वो उसको खींचता था, तो बीच में लटक गया। तो जाहिल हिंदू आता था वो समझता था कि सुभान अल्लाह देखिए साहब, देखा आपने हमारा खुदा बीच में लटका हुआ है, बीच में लटका हुआ है। महमूद गजनवी जब मुसलमानों पर हिंदुओं ने जुल्म किया तो महमूद गजनवी की गैरत, वो गैरतमंद मुसलमान बादशाह था, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया, सोमनाथ फतह हुआ, मंदिर में दाखिल हुआ तो पुजारी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज बादशाह माफ कर दो, जितना ये बुत है इसके वजन की बराबर सोना ले लो और जो चाहे हीरे जवाहरात खजाने, इस मंदिर का खजाना है, ये जो मंदिर है इस मंदिर का महाराज खजाना है, आप उस खजाने को ले लो लेकिन इस बुत को मत तोड़ो, आप इस खजाने को ले लो इस बुत को मत तोड़ो, ये तो हमारा बुत है, हमारा माबूद है, इसकी हम पूजा करते हैं। महमूद गजनवी ने कहा
तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं मुसलमान हूं। तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं मुसलमान हूं। मुसलमान बुत फरोश नहीं होता, मुसलमान बुत शिकन होता है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों की गैरत। कोई समझौता तुमसे नहीं होगा। भारत हिंदू, ये बनिया जो है, हिंदू जो है, ये जूते की जुबान समझता है, ये मीठी जुबान नहीं समझता। जिसको कहते हैं ना लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। हम में से बहुत से लोग कहते हैं मुजाकरात करने चाहिए। भाई मुजाकरात करने चाहिए तो 50 बरस से क्या कर रहे थे? लड्डू खा रहे थे, पान खा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, भाई क्या कर रहे थे आप? 50 बरस, अरे भाई 50 बरस से 90 मरतबा मुजाकरात हुए। आप हिसाब किताब लगा लीजिए, 90 मरतबा से ऊपर। तो 90 मरतबा जिस भारत से मुजाकरात हो गए हो और कोई नतीजा नहीं निकला, मसला जू का तू है। कश्मीरी मुजाहिदीन कुर्बानी दे रहे हैं, 7 लाख भारतीय फौजों का मुकाबला चंद ईमान वाले देखो मुकाबला कर रहे हैं। कुरान शरीफ की आयत कितनी प्यारी है और कितनी सच्ची है कि अल्लाह ने फरमाया तुम अगर थोड़े भी हो तो अल्लाह तुमको फतह अता फरमाता है। आज भी वो मुजाहिदीन हमारे और आपके भाई मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन मुसलमान आज भी भारत की 7 लाख फौजों के मुकाबले पर खड़े हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं, दांत खट्टे कर दिए। भारत से मुजाकरात करने से क्या होगा? और कहा भारत आपने देखा बनिया क्या कहता है, हाँ मुजाकरात करें और मुजाकरात के साथ साथ तिजारत भी करें, कारोबार भी करें। बनिए का जहन, हिंदू का जहन कारोबारी, 1 के 4, 4 के 8, वो तो हिसाब लगाता है। हिंदू बनिया जिसने हमेशा मुसलमानों का खून चूसा है, जो मुसलमानों को मलीश कहता है नापाक, वो हम मुसलमानों को नापाक कहता है। और नापाक इसलिए कहता है कि हम पेशाब गाय का पेशाब नहीं पीते, और हिंदू अपने आप को पाक कहता है कि हम पवित्र हैं। ये हिंदी का लफ्ज है पवित्र, वो कहता है हम पवित्र हैं, यानी हम पाक हैं। क्यों पाक हैं? इसलिए कि भाई पेशाब पीते हैं, और हम नापाक हैं क्योंकि हम पेशाब नहीं पीते। देखो ये फलसफा है उनका। तो जिनका फलसफा ये हो कि वो पेशाब पीते हैं तो पाक हैं और जो पेशाब नहीं पीते वो नापाक हैं, जिनका फलसफा ये हो, बताओ आपके मुजाकरात में उनसे क्या मसला हल होगा? जिनका मसला ये हो कि गाय जिसकी वो पूजा करते हैं, वो गाय की पूजा करते हैं, हिंदू गाय की पूजा करता है, गाय की परस्तिश करता है, गौ माता जी की जय हो, हाथ जोड़कर गाय को, हाथ जोड़कर कहता है गौ माता जी की जय हो। ये हिंदुओं का शियार है और ये हिंदू इस तरह से गाय की पूजा करता है। तो जो गाय को पूजता है, गाय को पूजता है, उसके पेशाब को सूंघता ही नहीं पीता है, उसके गोबर को अपनी पेशानी पे लगाता है कशका, उस वो हिंदू की गाय जो है जिसको वो खुदा कहता है, माता कहता है, उस खुदा को आप खा जाते हैं, वो आपकी गिजा है, वो उसका खुदा है और आपकी गिजा है। तो बोलो भाई समझौता कैसे होगा? इसीलिए 1000 बरस से मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से 1250 साल हो गए, आज तक हिंदू और मुसलमानों में जंग रही है और रहेगी। और जब तक हम तौहीद वाले रसूलुल्लाह कमली वाले आका के गुलाम उनका वसीला लेकर या रसूलुल्लाह कहकर काफिरों पर हमले करते रहेंगे, उस वक्त तक वो हिंदू से समझौता नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मुजाकरात कर लिए ठीक है, चलो भाई मालूम हो जाए क्या हुआ, लेकिन तिजारत क्यों हो भाई? तिजारत नहीं होनी चाहिए, भारत से तिजारत नहीं होनी चाहिए, भारत से कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। जब तक भारत की फौजें कश्मीर में मौजूद हैं,
कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब तक भारत सीज फायर नहीं करता, कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम बराबर जारी है, तो फिर मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा? मुज़ाकरात का कायदा तो ये होता है कि पहले फायर बंदी हो जाती है, फायर बंदी हो जाती है, मसलन दो फरीकों में लड़ाई हो रही है, जब दो फरीकों में लड़ाई हो रही तो बीच बिचाव करने वाले आते हैं, भाई बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, अब लड़ाई बंद करो, अब सुलह की बात करो। तो यहाँ लड़ाई तो बंद हुई नहीं, कश्मीर में लड़ाई बंद नहीं हुई, 7 लाख फौजें आज भी मुसलमानों को घेरे हुए हैं और कश्मीर का मजलूम मुसलमान अपनी आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ है। तो फिर सुलह कहीं की होगी? सुलह तो नहीं होगी। हमने पाकिस्तान को बनाया और कश्मीरी मुसलमान अब जो जंग कर रहे हैं भारत से, वो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे? बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि जी छोड़ो, 3 जंगें लड़ चुके, इतनी जंगें लड़ चुके, लड़ाई से क्या फ़ायदा, कश्मीर अगर भारत को देना है, टुकड़े करने हैं, बांटना है, बंटवारा करना है, चलो करो, टुकड़े करो, छुट्टी करो, मियाँ लड़ाई लड़ाई की क्या ज़रूरत है। उन मेरे मोहतरम भाई से मैं कहूँगा कि बाद में आपको पता है क्या होगा, अगर कश्मीर भारत के पास चला गया तो क्या नुकसान होगा, ये भी पता है। नुकसान पहला तो ये होगा कि 1 करोड़ कश्मीरी मुसलमान मुस्तकिल भारत की ग़ुलामी में चला जाएगा। क्या किसी मुसलमान को ये मंजूर है कि उसके भाई हिंदू की ग़ुलामी में चले जाएं? कैसे मंजूर होगा? अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, क्या आपको ये मालूम है, जो साहब ये कह रहे हैं क्या उनको ये मालूम है या उनको मालूम नहीं है? मेरे ख्याल में जोग्राफी उनको पता नहीं है। अगर कश्मीर चला जाता है, जैसे कि अमेरिका चाहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान को दे दो, पहले अमेरिका चाहता है कि मैं अपने कब्जे में कर लो और अपने कब्जे में लेके फिर हिंदुस्तान को दे दो, वो हिंदू को खुश करना चाहता है, इसलिए कि हिंदू और ईसाई, हिंदू हनूद और अमेरिका दोनों एक हैं, यहूदी यहूद और हनूद ये एक हैं, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर एक हैं, मुसलमानों के मुकाबले पर एक हैं, कलमे पढ़ने वाले एक हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले सब एक हैं, इनमें जुबान का, इलाके का, नस्ल का, रंग का कोई फर्क नहीं है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, हम सब एक हैं, काफिर एक हैं, हम भी एक हैं। तो हिंदुस्तान, अगर कश्मीर हिंदुस्तान के पास चला जाता है, जोग्राफिया देख लीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनसे पूछ लीजिए, हो सकता है मेरी मालूमात कम हो, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ आपको कहता हूं, अगर कश्मीर चला गया तो 2 साल में पाकिस्तान के मुसलमान भूखे, सड़कों पर भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, यहां एक दाना पैदा नहीं होगा, क्योंकि पानी कश्मीर से आता है। जब कश्मीर हिंदुस्तान को हिंदू को दे दोगे तो क्या हिंदू आपको पानी दे देगा? दरियाए सिंध खुश्क हो जाएगा, दरियाए सिंध खुश्क हो जाएगा, दरियाए जहलम खुश्क हो जाएगा, फिर बोलो मेरे भाई पाकिस्तान कैसे बचेगा? पाकिस्तान के लोग तो भूखे मर के एक दूसरे को खा जाएंगे, कहत होगा, खेतियां सूख जाएंगी, बच्चे पानी को तरस तरस के मर जाएंगे, बूढ़े सिसक सिसक के मर जाएंगे, और औरतों की असमतें हिंदू लूट लेंगे, ये नक्शा बाद में होगा। अब तो बड़ी आसानी से लोग कहते हैं, अरे साहब लड़ाई से क्या फायदा, अरे साहब छोड़ो लड़ाई से, मुसलमान लड़ाई से डरता है कहीं? मुसलमान मौत से डरता है? बात असल में ये है कि अब मुसलमान जो है ना लड़ाई से डरता नहीं है, अब मुसलमान जो है वो हिंदू से लड़ना नहीं चाहता, आपस में लड़ता है, ये मसला हो गया, आपस में लड़ता है, उनका ये है मार दो, काट दो, गोली मार दो, कर दो, ये पंजाबी बोलता है मार दो, ये सिंधी बोलता है कत्ल कर दो, ये उर्दू बोलता है जहन्नुम रसीद करो, बस मार धाड़ में लग गए हम, मुसलमान मुसलमान के खून का प्यासा हो गया। क्या वक्त आया है और क्या कयामत आई है, मुसलमान तो मुसलमान के खून की हिफाजत करता है, मुसलमान तो मुसलमान का भाई होता है, मुसलमान तो अपने मुसलमान भाई की और बहन की और बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करता है, अब
ये क्या कयामत है कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हो गया। ये शैतान ने दिमागों को फेर दिया है। शैतान घुस आया है हमारे बीच में और हम भाइयों के दरमियान में उसने नफरत पैदा कर दी। ये अमेरिका, बरतानिया और हिंदू चाहते हैं कि मुसलमान टुकड़े हो जाएं। जब मुसलमान टुकड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान भी टुकड़े हो जाएगा और उनकी आरजू यही है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हिंदुओं की आरजू पूरी नहीं होगी। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू अम्मन वालुहू के फजल करम से देखो कश्मीर में मुसलमानों की छोटी सी जमात मुजाहिदीन की, और वो मुजाहिदीन की जमात हिंदुओं के मुकाबले पर डटी हुई है। और पाकिस्तान अगरचे भारत के मुकाबले पर, भारत हमसे 5 गुना बड़ा है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहू अम्मन वालुहू ने बुजुर्गों की लाज रख ली। जिन लोगों ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए उनकी लाज रख ली। अल्लाह तबारक इसके लिए मैं आपको अपना एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी लेकिन बहरहाल मैं नौजवान था, कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त, 17-18 साल की उम्र थी। 45 का वाक्य है, 46 शुरू हो गया था और 47 में पाकिस्तान बना। तो उस वक्त तकरीबन 19-20 के करीब लपेट गए मैं उम्र थी। पाकिस्तान की तहरीक हिंदुस्तान में जोर शोर से चल रही थी। मैं अपने हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ अजमेर शरीफ में हाजिर हुआ। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा जब भी मौका मिलता था अजमेर शरीफ जियारत के लिए, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा अता रसूल सुल्तानुल औलिया मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ार शरीफ पर, उर्स शरीफ में जब होते थे हिंदुस्तान में तो तशरीफ ले जाते थे अक्सर। भी साथ साथ कभी मैं जाता था कभी बड़े भाई, तो मैं गया हुआ था। बहरहाल 17-18-19 साल की उम्र होश हवास के साथ मैं गया वहाँ। रात का वक्त मैंने ये देखा, मैं रोज़े मुबारक से निकला, रात का वक्त था, तो वहाँ से निकला दरबार शरीफ से, तो एक मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है मज़ार शरीफ के सरहाने, वहाँ उस मस्जिद को सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाया। वो छोटी सी मस्जिद है, एक बड़ी मस्जिद है अजीम शान वो शाहजहाँ मस्जिद है। ये छोटी सी मस्जिद जो है उसके पास से ही मैं गुजर रहा था। हमने कहा थोड़ी देर मस्जिद में बैठ जाएंगे, मज़ार शरीफ से फारिग होकर फातिहा पढ़ के उसमें आए बैठे। तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग सफ़ेद नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, और सजदे में गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ फैलाए हुए हैं, रो रहे हैं, ऐ अल्लाह हम मुसलमानों की दुआ कबूल फरमा, और ऐ अल्लाह जिस बुज़ुर्ग के मज़ार पर हम हाजिर हैं इनके सदक़े में कबूल फरमा, अपने महबूब की उम्मत के लिए अल्लाह पाकिस्तान अता फरमा। मैंने कहा देखो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का नेक बंदा पता नहीं कहाँ से आया, किस जगह से आया है, रात का वक्त है और ये सजदे में गिड़गिड़ा कर 1946 पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले 1946 में सजदे में गिड़गिड़ा कर रोकर अल्लाह से पाकिस्तान के हासिल करने की दुआ मांग रहा है। तो ये दुआओं का नतीजा है। और उस जमाने में आपको हैरत होगी सुनकर कि वो उलमा कि जो मस्जिदों और हुजूरों में गोशा नशीन थे, वो मशाइख किराम जो अपनी खानखाहों में गोशा नशीन थे और लोगों की दीनी और रहनुमाई फरमाते थे, और वो उलमा जो मुदर्रिसीन थे पढ़ाते थे, दिन रात उलमा तैयार करते थे, इमाम तैयार करते थे और मुहद्दिस और मुफस्सिर तैयार करते थे, वो उलमा भी अपनी दरसगाहों को छोड़कर उलमाए अहले सुन्नत जगह जगह हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर फैल गए, जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, और उलमा अहले सुन्नत व जमात के उलमा बराबर तकरीरों में कहते थे कि पाकिस्तान लेके रहेंगे, हिंदुस्तान बच के रहेगा, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उस जमाने में ऐसे भी लोग थे मौलवी कि जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, जो कांग्रेस के हिंदुओं के साथ थे, वो हिंदुओं के साथ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके 5,000 के करीब उलमा और मशाइख ने मुत्तफ़ा फैसला किया कि पाकिस्तान को बनाना है। हिंदू अंग्रेज की हुकूमत थी,
हिंदू और अंग्रेज मिलकर भी अगर हमें पाकिस्तान बनाने से रोकेंगे तो वो हमारी नाशों से गुजर जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर बनकर रहेगा। तो उलमा ने, मशाइख ने, लोगों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने, किसी ने रातों की कुर्बानियां दी, किसी ने वक्त की कुर्बानी दी, किसी ने माल की कुर्बानी दी, किसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और ये अजीम शान मुल्क, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, ये अजीम शान मुल्क वतन पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन मेरे अजीज मोहतरम, मेरे मोहतरम भाई, ये पाकिस्तान हमने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ लोगों को शराब पीने की सहूलत दी जाएगी, इसके लिए तो नहीं बनाया था। शराब पीने की सहूलत तो हिंदू के यहाँ भी है, हिंदू तो शराब पीने से मना नहीं करता, वो तो पीता है, वो तो गाय का पेशाब पीता है तो शराब भी पीता है, उसके लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जो गाय का पेशाब पीता है। और शराब पीना और पेशाब पीना दोनों बराबर हैं। शराब भी ऐसी ही नजिस है, गंदी चीज़ है, जैसे पेशाब गंदा है और नजिस है। जो शराबी है वो असल में शराब नहीं पीता, वो पेशाब पीता है, गंदा है, नजिस है, शराब गंदी है और नजिस है। तो हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि पाकिस्तान में शराब पिएंगे, शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अभी पिछली मर्तबा बात हो रही थी, मैंने तकरीर में भी कहा ये कि यहाँ शराब की दुकानों के 135 लाइसेंस सुबह सिंध की हुकूमत ने जारी कर दिए, अब नहीं पहले। अब तो खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि गवर्नर साहब जो हैं उनका राज है, और थोड़ा बहुत अमन और चैन का और सुकून का सांस लिया लोगों ने, और भत्ता वत्ता उसमें कुछ कमी आई है, और अल्लाह तबारक व ताला हुकूमत को हिदायत दे तो जल्दी जल्दी इकदामात करे ताकि इन सब को नेकी के रास्ते पर डाला जा सके। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। तो पिछली हुकूमत जो थी उसने 1 साल 8 महीने 10 महीने हुकूमत की, उस 1 साल 10 महीने में 135 शराब की दुकानों के लाइसेंस दे दिए। अरे भाई ये शराब की दुकानों के लाइसेंस क्यों दिए? वो कहा ये हिंदुओं की सहूलत के लिए दिए हैं। माशाल्लाह, अरे भाई हिंदुओं की सहूलत के लिए किसी ने कहा है? सब अकलियतें हैं, क्या मतलब है भाई अकलियतें हैं तो अकलियतों को सहूलत? भाई किस किताब में लिखा हुआ है, कौन सी मुसलमानों की किसी किताब में लिखा हुआ है कि अकलियतों को शराब के परमिट दो? बात असल में यह है कि हमारे जो हुक्मरान थे वो खुद शराबी थे, खुद शराबी, बदकार वजीर, बदकार वजीर आला, शराबी वजीर आला। वो खुद क्योंकि शराब पीने चाहते थे तो नाम हिंदुओं का रख दिया, नाम हिंदुओं का रख दिया। हिंदू शराब पीते हैं ना तो हिंदुओं की परमिट के लिए दुकान खोल दिए। तो अच्छा भाई सूबे में 135 दुकानें कराची में और पूरे सूबे सिंध में, क्या इतने हिंदू रहते हैं जो 135? तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो हिंदुओं की कोई किताब, हमारी एक साहब से बात हो रही थी वज़ीर साहब से, मैंने कहा हिंदुओं की कोई किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि शराब पियो? अगर आपको मालूम हो तो बताओ। मुसलमानों की कोई किताब जिसमें लिखा हुआ है कि उनको सहूलत दो? अगर हो तो आप बताओ। नहीं, बात असल में ये है कि खूए बदरा बहाना बिस्यार, ये बदी की ताकतें, शैतान जो अंदर बैठा हुआ है, शराबी शैतान, वो शराब मांगता है तो ये नाम रख देते हैं हिंदू का, और नाम रख देते हैं ईसाई का, और नाम रख देते हैं कि साहब वो तो ईसाइयों के लिए और हिंदुओं के लिए दुकान खुलवाई है। तो इन इतने ईसाई और हिंदू इस मुल्क में रहते हैं, इस सूबे के अंदर, छोटे से सूबे में इतने हिंदू और ईसाई रहते हैं कि 135 दुकानें आपने कराची से लेकर सक्कर तक खोल दी। बहरहाल अब कुछ दुकानों के परमिट, मस्जिद के बराबर में शराब की दुकान खुल गई, स्कूलों के बराबर में शराब की दुकानें खुल गई, शराफा के महल्ले में शराब की दुकानें खुल गई, दीनदार लोगों के महल्ले में शराब की दुकानें खुल गई। तो ये शराब की दुकानों के लिए तो हमने ये मुल्क हासिल नहीं किया था, रंडी और कंजरियों के लिए तो ये मुल्क हासिल नहीं किया था, नाचने और गाने के लिए तो ये मुल्क हासिल नहीं किया था। ये टेलीविजन जो है, टेलीविजन पर जो लड़कियां नाच रही हैं, ये नाचना और गाना तो कंजरियां करती हैं, नाचना और गाना तो हिंदुओं की तहजीब है, नाचना और गाना तो यहूदियों का मजहब है, नाचना और गाना तो ईसाइयों का मजहब है, मुसलमानों के मजहब में तो हराम है नाचना और गाना। फहाशी बेहयाई, ये तो इस्लाम में हराम है, बेहया कौम को बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ये टेलीविजन वाले साजिश कर रहे हैं हुकूमत को बदनाम करने की।
टेलीविजन के अंदर मालूम होता है जैसे भारतीय जासूस बैठे हुए हैं, टेलीविजन के अंदर ऐसा मालूम होता है जैसे इस्लाम की दुश्मन कुव्वतें बैठी हुई हैं जो चाहती हैं कि मौजूदा हुकूमत को, जिसके मुताबिक आमतौर से लोग ये कहते थे कि अब जो हुकूमत आई है वो इंशाल्लाह इस्लाम को नाफिज कर देगी, तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं टेलीविजन पर जो रंडियों को कंजरियों को बुला बुला कर नचवाते हैं, मुसलमानों की बहू बेटियों को रंडियों और कंजरियों की तरह से नाच गाने की का सिखाते हैं, और लड़के और लड़कियों को मिलाकर डांस करवाते हैं जैसे हिंदू और ईसाई करते हैं, तो ये मालूम होता है जैसे हिंदू और ईसाइयों के एजेंट टेलीविजन में बैठ गए और वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बेहया बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लानत है इस टेलीविजन पर जिसके जरिए से मुसलमानों में फहाशी बेहयाई और उड़ियानी फैल रही है। खुदा की फिटकार है उन लोगों पर कि जो इसके मुंतजमीन हैं और जो लोगों को, मुसलमानों की नस्ल को बेअखलाक और अखलाकियात से आरी अखलाक की कदरों को, रूहानी कदरों को तबाह कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाता है, जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाता है वो अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता। कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा वालो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं उन पर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा, बड़ा दर्दनाक अजाब। मुसलमान कौम को बेहया बनाना अल्लाह को पसंद नहीं और उसके रसूल को भी पसंद नहीं है। ये टेलीविजन वाले अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेंगे। तो मैं बात कह रहा था और अर्जी कर रहा था कि हमने पाकिस्तान किस लिए बनाया? रिश्वतें लेने के लिए पाकिस्तान बनाया? अपने मुसलमान भाई का माल और पैसा लूटने के लिए लिया है? इगवा बराए तावान के लिए बनाया था कि मुसलमान भाई का माल लूट लेंगे, मुसलमान भाई के यहाँ चोरी करेंगे, मुसलमान भाई के घर में डाका डालेंगे, मुसलमान भाई की बेटी की और बहन की असमत और इज्जत लूटेंगे? इसलिए तो पाकिस्तान नहीं बनाया था। पाकिस्तान में बेशुमार खराबियाँ हैं, पाकिस्तान में बेशुमार खराबियाँ पैदा हो गई। इन खराबियों की इस्लाह हमको